हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने की कोशिश करेंगे एक रिक्लाइनर चेयर, जिसके लिए हमें मटेरियल चाहिए होगा। इस प्रकार की दो बड़े नट बोल्ट और इस टाइप के कुछ 30-40 स्क्रू थ्रेडेड हैं, ये देखिए इस प्रकार से। फिर ये वुड पॉलिश, जिसको आप कपड़े से लगा सकते हैं। स्क्रैप की लकड़ियाँ इस साइज़ में, ये देखिए पट्टियाँ हैं। पट्टियाँ लगभग 112 की पट्टियाँ हैं, आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये 110 की हैं, ये देखिए 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर की। और जाड़ी हैं लगभग इंचिस में, अगर आपको बता दूं तो 1 इंच। ऐसी आपको 6-7 लकड़ियाँ चाहिए। और दूसरी वाली जो लकड़ी है, यानी जो कट की हुई, ये लकड़ी दोस्तों मैंने नई खरीद के नहीं लाई है, ये मुझे स्क्रैप में मिल गई है। ये देखिए इसकी लेंथ है लगभग 112, 112 की लेंथ है। फिर इसकी थोड़ी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी है हमें। इसकी विड्थ होगी, ये देखिए 2 इंच की विड्थ है, इंच में देखें तो, सेंटीमीटर में देखें तो 5 सेंटीमीटर की। ये देखिए वो 1 सेंटीमीटर की थी, और ये सॉरी वो लगभग 3 सेंटीमीटर की थी, और ये लकड़ी लगभग 5 सेंटीमीटर की है, या 2 इंच की है, जिसे आप कह सकते हैं। ऐसी आपको लगभग 6-7 लकड़ियाँ चाहिए। डिज़ाइन अभी मैंने इंटरनेट पे वगैरह बहुत जगह पे सर्च किया, लेकिन कोई अच्छा सा डिज़ाइन नहीं मिला। इसकी वजह से मेरे मन से मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पे बनाया है, देखेंगे दोस्तों कि कितना सक्सेसफुल होता है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से आपको ऐसी ये बड़ी वाली जो लकड़ियाँ हैं जिसकी विड्थ 2 इंच की है, ऐसी दो लकड़ियाँ लेकर इस प्रकार का एंगल बना के यहाँ पे आपको यहाँ से उस लकड़ी को मेजर करना है, और यहाँ से लगभग लगभग 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मार्किंग करना है इस लकड़ी को। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है। फिर यहाँ से मार्किंग करना है दूसरी लकड़ी को 40 सेंटीमीटर का, ये 40 का यहाँ पे मार्किंग आप देख सकते हैं, ये रहा मार्किंग है, पेंसिल से किया है मैंने। देखिए फिर इन दोनों मार्किंग को यहाँ पे हमें एक पोजीशन पे लाना होगा, ये देखिए। और इसका एंगल आप देखिए कि यहाँ पे जो भी आदमी बैठेगा उसका लोड वो यहाँ से फिसल के नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार से इसका एंगल होना चाहिए। फिर दोस्तों इसे थोड़ा सा एलिवेशन, जो कमर के पास होता है ना, वो थोड़ा सा एलिवेशन देना पड़ेगा हमें यहाँ। इसके लिए ये आइडिया मैंने की है, यहाँ पे यहाँ से 65, यहाँ से आप 65 सेंटीमीटर पर यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, और यहाँ इसके सेंटर में एक लाइन बना दीजिए सेंटर में, और यहाँ से 65 तक एक तिरछी इस प्रकार से पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए 65 65, और उस पीस को आपको कट करके बाहर उड़ाना है, ये देखिए। और फिर यहाँ पे आपको एक इस टाइप का नट बोल्ट लगाना है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लगाना है सेंटर में। उसी के साथ साथ दोस्तों हमें और कुछ टूल्स चाहिए होंगे। इस प्रकार से ये हमें एक ड्रिल मशीन चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर, ये एक एंगल ग्राइंडर, और ये कटर मशीन। ये कटर मशीन को हमको हमें यहाँ पे ये जो ब्लेड है ये लगानी है, ये ब्लेड लकड़ी कट करने के लिए होती है, ये लगाने हैं। फिर ग्राइंडर मशीन को हमको एक पॉलिश वाला
व्हील लगाना है, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार का पॉलिश व्हील है। और ये जो ड्रिल मशीन है इसमें ये लकड़ी का बीट लगाना है दोस्तों। अगर आप ड्रिल मशीन में नए हैं तो ध्यान से देखिए, इस बीट का पॉइंट अलग होता है और दूसरा जो ये कंक्रीट का बीट है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दो फ्लैप के जैसे बने होते हैं, इसको ये वाली, ये आपको इस लकड़ी के बीट में नहीं दिखाई देते हैं। लकड़ी का बीट कंक्रीट में और कंक्रीट का लकड़ी में ऐसा कभी मत कीजिए दोस्तों, उससे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। अगर दोस्तों आपके पास ये ड्रिल मशीन नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हैं, अगर मैनुअल ड्रिल मशीन आपके पास है तो भी आप कर सकते हैं, या आप एक जो किल्ला होता है उसको लेकर के उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मार लकड़ी में मार करके आप उसमें लकड़ी में होल बना सकते हैं, या उसके सिवा भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा फिनिशिंग अच्छा आता है दोस्तों। फिर ये मशीन जो है पॉलिश, ये पॉलिश करने के लिए इसका भी आप इस्तेमाल, इसके सिवा भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से मार्केट से पॉलिश पेपर लाना होगा, थोड़ा रफ़ और स्मूथ के जो पॉलिश पेपर आते हैं वो पॉलिश पेपर ला करके उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ेगी दोस्तों। और ये भी जो मशीन है दोस्तों, इसका भी रिप्लेसमेंट आप एक सॉ से कर सकते हैं, जो लकड़ी कट करने के लिए छोटी सॉ मिलती है बाज़ार में, वो आप ला सकते हैं, वो लगभग 100-150 रुपये में मिलेगी, वो आपको कटिंग का काम अच्छी तरीके से करके दे सकते हैं। ये मेरे पास मशीन थे जो मैंने अपने हॉबीज़ के लिए लाए हैं दोस्तों। इन तीनों मशीनों की कीमत अगर आप देख सके तो लगभग 800 से 1000, एक एक मशीन है 1000, 2000 और ये लगभग 2000 यानी 4000 के लगभग इसकी कीमत होती है। अगर आपने पास ला कर रखें तो आपको अच्छा पड़ेगा लाइफ में, अगर आप कुछ भी टूल्स वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ नए हॉबीज़ आप अपने काम में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन सभी टूल्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अभी देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि 65 सेंटीमीटर ये एक तिरछा हमें कट करना है, ऐसे दो जगह पे कट करना था, और यहाँ पे 40 और ये 80 पे यहाँ पे हमें एक स्क्रू लगाना है। इसी प्रकार से हमने दो सेट बना लिया है, ये देखिए दोस्तों इसको, और यहाँ से नट लगाया है, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। तो अभी ये छोटी सी फ्रेम आपको दिखाई देगी, कुर्सी की जो फ्रेम है वो बन गई है। पहले दोस्तों इसको यहाँ से हमें कट नहीं करना है, पहले ऊपर का पट्टी वगैरह लगा के लेनी है और उसके बाद में हमें इसको नीचे से कट करना है। ये देखिए दोस्तों, स्क्रू थोड़ा कम पड़ रहा था इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ग्राइंडर से यहाँ से पॉलिश किया और थोड़ा सा ग्रूव बना लिया, और फिर यह अभी स्क्रू इसमें फिट बैठ गया है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये जो छोटी वाली पट्टियाँ हैं इसका दोनों तरफ से यहाँ से सेंटर लेके, जो सेंटर लगभग ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, वो लगभग 55 सेंटीमीटर का आता है, 55 सेंटीमीटर का, यहाँ से 55 और यहाँ से 55 सेंटीमीटर सेंटर में कट करना है, जिससे कि हमें ये दो पट्टियाँ मिल जाएंगे। और ऐसे हमें चार पट्टियाँ कट करनी है, जिससे कि हमें 8 टुकड़े यहाँ पे इस कुर्सी को लगाने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ड्रिल मशीन लेकर के इतना बड़ा बीट लेना है और थोड़ी सी यहाँ पे एक ग्रूव बना के लेना है, एक दो, और उसी प्रकार से उस साइड में, तो देखिए इस प्रकार से मशीन से आपको ये दो ग्रूव बना के लेने हैं। उससे क्या होगा, ये जो नेल हम उसमें फिक्स करेंगे वो अंदर जाएगा और सरफेस बिल्कुल लेवल हो जाएगी, और उसको बाद में हमें ये जो हमारी एक साइड है उसको यहाँ पे इस प्रकार से
स्क्रू से फिक्स करना है ताकि ये नीचे नहीं आएगा। पहले आप अपना जो भी है एंगल बना के ले लीजिए, जितने भी एंगल की आपको कुर्सी चाहिए उस प्रकार से आप एंगल बना लीजिए। बाद में उस एंगल को फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये पट्टी चाहिए, एक साइड यहाँ पे दो स्क्रू लगा के बाद में दूसरा पार्ट लेकर के दूसरी साइड में उसको ज्वाइन करना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे दो स्क्रू लगा करके इस प्लेट को लगाया है। अभी ये चेयर थोड़ी थोड़ी अपना शेप लेने लगी है, आपको दिखाता हूँ कि इस किस प्रकार से दिखेगी। हम यहीं पे देख सकते हैं, देखिए ये इस प्रकार से आपको इस बाकी की लकड़ी को इसके ऊपर फिक्स कर देना है। फिर इसके बाद इसका जो रूप है आपको दिखेगा, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये चेयर अब तैयार होने को है। देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़े पीसेस की ज़रूरत है, उसे इस प्रकार से यहाँ पे एक एक पट्टी को दो दो स्क्रू, या आप एक भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से लगा करके इसे हमें तैयार करना है दोस्तों। देखिए पीछे से इस प्रकार से दिखेगी। मैं आपको दोस्तों पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, जबकि मैं ड्रिल वगैरह का काम करते रहता हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पे लेग्स के लिए कुछ यहाँ पे थोड़ी स्पेस हम बनाएंगे, इसके यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन हम दे देंगे यहाँ से और यहाँ से, देखेंगे उसके लिए जो भी कुछ दिमाग में आएगा वो हम लोग करेंगे और वो मैं आपको दिखाते जाऊंगा। इस चेयर को अभी हमने ये सभी पीसेस रख करके इसे, ये देखिए अभी तक इसको जोड़ा नहीं गया है, ये मैंने रख दिया है। अब आपको ये चेयर चेयर के जैसी दिखेगी। फिर इसको हमें पॉलिश करना है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक पट्टी लगाई है जिससे कि ये ऊपर के पीसेस नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए इसको अभी फिनिशिंग करना है, जो कोने वगैरह हैं शार्प एजेस हैं उनको पॉलिश व्हील से इसको निकालना है, स्मूथ फिनिश देना है। और इधर यहाँ पे एक्सटेंशन देना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर, जिससे कि वो रिक्लाइनर बन सके और पाँव रखने के लिए एडिशनल जगह बन सके। उसके लिए अभी तक डिज़ाइन तैयार नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार इस चेयर का थोड़ा स्मूथ इसके ऊपर ग्राइंडर से पॉलिश पेपर मार दिया गया है, इसकी वजह से ये सरफेस आपको बहुत स्मूथ लग रही है। फिर इसके बाद में इसे यहाँ पे लेग एक्सटेंशन देने की ज़रूरत है, जिससे कि इसे हम क्या कहते हैं फुट रेस्ट जो होता है वो फुट रेस्ट देना है। इसकी वजह से हम यहाँ से इसको इस प्रकार से दो पीस ले करके, या जैसे भी आपकी ये जो डिस्टेंस है उस प्रकार से ऐसी आड़ी लकड़ी और ये दो खड़ी इस प्रकार की इसी साइड साइज़ की लकड़ियां ले करके इसको आपको यहाँ से जोड़ना है, यहाँ पे हाफ कट देना है इस प्रकार से। देखिए ये देखिए इस प्रकार से हाफ कट दे करके एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे हमने इसे स्क्रू लगाया है, और इसके बाद ये एक एक्सटेंशन बन जाएगा। अभी इस एक्सटेंशन को हमें यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे एक नट बोल्ट के ज़रिए इसको जोड़ना है, इस नट बोल्ट के ज़रिए यहाँ पे जाएगा और इसके ऊपर ये जब भी आपको चाहिए ये ऊपर चाहिए तो ये स्टेप्स आप
ये फुट रेस्ट आप ऊपर ले सकेंगे, वरना आप नीचे भी रख सकेंगे। तो इसके आगे की जो स्टेप है वो हमने पूरी कर ली है। इस प्रकार से हमने यहाँ से इसको एक नट बोल्ट लगाया है अंदर से, और इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी लगाया है और एक नट बोल्ट, ये देखिए। और इसे थोड़ा यहाँ पे शार्प कर दिया है, और ये जो हमने फ्रेम बनाई थी, नीचे से देख सकते हैं जो फ्रेम बनाई थी, उस फ्रेम के ऊपर ये जो 1 2 3 4 पीसेस लकड़ी के यहाँ पे हमने स्क्रू से फिट कर दिए हैं। और यहाँ पे एक पीस बिठाना है जो कि ये गैप फिल कर सके, और इस तरीके से यहाँ से ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ये हो गया इसका फुट रेस्ट, और अभी इसे पॉलिश भी हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी ऊंची लकड़ी लगाई गई है जिससे कि बैक को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक लकड़ी लगाई है, ये देखिए जैसे स्टैंड के जैसा, ये देखिए इसी है। इसके ऊपर आगे का जो एक्सटेंशन है वो उसके ऊपर रुक जाएगा, देखिए इसके ऊपर। यहाँ पे हमने इसको, इसके बाद में आपको लेना है थोड़ा सा इस प्रकार का फेविकॉल, ये देखिए जितना चाहिए क्वांटिटी आप ले सकते हैं, जितना भी आपका फीलिंग का काम है। और उससे ये जो बीच में के हैं वो फेविकॉल में, इस फेविकॉल में जो लकड़ी की ये नीचे गिरी हुई भूसी है, ये देखिए ये भूसी, ये थोड़ी सी साफ़ करके और छोटी जो बारीक बारीक जो आपको भूसी मिलेगी, उस भूसी को इस फेविकॉल में डालना है और इसकी पेस्ट बनानी है। और उस पेस्ट को ये जो ग्रू आप, ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे, ये देखिए इस गैप में उस पेस्ट को लगाना है और बाद में उसको सुखाना है। वो सूखने के बाद उसके ऊपर आपको फिर से पॉलिश पेपर या ग्राइंडर को पॉलिश व्हील लगा करके फिर उसका पूरा पॉलिश आपको कर देना है। इसको अभी हमने गैप जो है, गैप को फिल करके उसके ऊपर अभी पॉलिश भी मार दिया है। देखिए इस तरह से ये कुर्सी अब दिखने लगी है, ये देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से ये कुर्सी दिखेगी। अब इसके ऊपर लिक्विड पॉलिश मिलता है फ्रेंड्स, ये आपको कौन सा भी आप ले सकते हैं, ये लिक्विड फर्नीचर पॉलिश मिलता है संभाजी ब्रांड, आप कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार का पॉलिश लेकर के आपको उस पॉलिश को सीधे एक कपड़ा लेकर के, कपड़ा इस पॉलिश में डुबाना है और फिर उस पॉलिश को इसके ऊपर लगाना है। इसके बाद आपको इस लकड़ी की जो है ये अंदरूनी डिज़ाइन है ये उभर के दिखने लगेगी, पूरी चेयर जो है शाइन होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों इसको अब पॉलिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये चेयर बैठने के लिए तैयार है, यूज़ करने के लिए तैयार है। इसे हमने इसके ऊपर, मुझे लगा कि और एक थोड़ा ये सिल्क वुड या टच वुड जिसे कहते हैं वुड पॉलिश होता है उसे लगाया गया है 2 कोट। अभी ये सूखा नहीं है, आप देख सकते हैं शाइन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए शाइन हो गई। और इसके बाद में जैसे ही ये
टच वुड जैसे गुड की कोट सूखती है, एक या दो दिन हमें छोड़ने पड़ेंगे सूखने के लिए, उसके बाद आपकी ये चेयर ये आउटडोर या इनडोर यूज के लिए तैयार है दोस्तों। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बदलाव कर दिया है, इस लकड़ी को थोड़ा मैंने ऊपर उठाया, यानी इस डबल साइज़ की लकड़ी ले करके उसे इस तरह से दोनों साइड में पॉलिश कर दिया है, जिससे कि ये बैग को सपोर्ट मिल सके अच्छी तरीके से। इस तरीके से ये एक अलग एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स मैंने किया है, देखेंगे इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, मैं आपको कमेंट्स में बाद में बताऊंगा। और इस तरीके से ये चेयर रेडी हो गई है। यहाँ पे और एक चीज़ मैंने दोस्तों कर दी है, वो है यहाँ पे एक टॉवर बोल्ट लगाया है, जिससे कि ये स्टैंड, ये देखिए इधर एक होल बना के ये टॉवर बोल्ट यहाँ पे लगाया है, जिससे कि ये ऊपर लेने के बाद ये जो खड़ी लकड़ी हमने लगाई है ये सीधी रहेगी और गिरेगी नहीं। तो दोस्तों आपको चेयर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।